बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शहर हारून किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू का भरता। ये बहुत ही ज़्यादा इजी डिश है और ज़्यादातर सभी को आती है, लेकिन आज की डिश हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिन्हें ये नहीं आता है और जो न्यू कमर्स हैं। तो इसके लिए देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। यहाँ मैंने ये 500 ग्राम आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बड़ी प्याज को स्लाइस में ऐसे कट कर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें कट करी हैं, एक टमाटर को मैंने कट कर लिया है और हरा धनिया इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप मटर भी लेना चाहें तो फ्रेश मटर, आजकल जो मटर आ रही है सपोला की, वो भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा ज़ीरा आधा चम्मच और थोड़ी सी हींग। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा भी आता है और ये फ़ायदेमंद भी होती है। आधा चम्मच मैंने यह नमक लिया है, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच मैंने पिसी खटाई ली है, इसे आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, और भुना हुआ ज़ीरा लिया है और एक चम्मच मैंने यहाँ पर मिर्च ली है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। यह हमने कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल लिया है और तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। इसमें मैं ये सबसे पहले प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज ऐड करने के बाद जीरा और हींग ऐड कर देते हैं। प्याज ऐड करने के बाद ही आप इसमें जीरा ऐड करें और प्याज का कलर थोड़ा सा हम चेंज हो जाने देते हैं। एक मिनट तक हम इसे ऐसे ही होने देते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, ये जो हमने आलू लिए हैं इसको हम मोटा मोटा ऐसे फोड़ लेते हैं। ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस इस तरह से हमें फोड़ना है। मोटा इसलिए हम अभी इसे फोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम कढ़ाई में इसे डालकर भूनेंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा मैश भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए हमें बस इस तरह से इसको फोड़ना है। थोड़ा सा बस दबा देना है। तो सारे आलू मैश हो गए हैं और इधर प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए इसे आगे का प्रोसेस करते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं और जो हरी मिर्ची रखी थी वो भी ऐड कर देते हैं। इसको अब हम चटपटा बना रहे हैं। अगर आप लोग इसे कम मिर्च खाना पसंद करते हो तो इसमें से आप लाल मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों को कम ले सकते हैं। और इसके बाद जो भी हमने सूखे मसाले लिए हैं ये सारे ही हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। टमाटर भी थोड़ा सा जो है वो मैश हो जाए। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बिना पानी के ही इसको हमें भूनना है। तो 2 मिनट तक हम इसे भून लेते हैं। भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम जो मैश आलू करे हमने वो डाल देते हैं। जितना हमने हरा धनिया काट के रखा है उसमें से हम आधा इसमें डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने स्लो रखा है इस टाइम।
हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए भूनेंगे। पलट पलट कर हम इसे अच्छी तरह से चला देते हैं। इसको हम ढक देते हैं और ढक कर इसे हम 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। भुर्तियों को भूनते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से भुन गया है। इसमें बहुत अच्छी सी हींग की खुशबू भी आने लगी है। बस इसे हम 2-3 मिनट तक और भूनेंगे, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये बनाने में बहुत जल्दी बन भी जाता है, अगर जब कुछ समझ में ना आए तो इसे बहुत आसानी से बनाया भी जा सकता है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे हम रख सकते हैं, पैक करके भी हम इसे सफर में ले जा सकते हैं और स्टफ करके हम इसे पराठे में भी भर सकते हैं। इससे आलू का पराठा और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब भी आपको आलू का पराठा बनाना हो तो बस इसे थोड़ा सा चम्मच से मैश कर दिए और आटे में भर दिए तो आलू का पराठा इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा रेडी हो गया है, तो 2 मिनट बाद हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, कितनी आसानी से 20 मिनट में ही तैयार है हमारा आलू का भरता। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और इसे आज हम सर्व कर रहे हैं आम और मिर्च का अचार, दही और प्याज हरी मिर्च के साथ। तो ये दही के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है। तो इसे आप एक बार प्लीज़ मेरी तरह ट्राई करें और इन्जॉय करें मेरी रेसिपी को। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। हमें दुआ में याद रखें, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।